वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। भारतीय महिला क्रिकेट हरलीन देओल ने शानदार कैच लपककर दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना मुरीद बना लिया है। दरअसल हरलीन के शानदार कैच का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसी बीच सचिन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हरलीन के कैच वाले वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह एक शानदार कैच था हरलीन देओल, मेरे लिए यह साल का सर्वश्रेष्ठ कैच है। सचिन के अलावा वीवीएस लक्ष्मण ने भी हरलीन के कैच पर प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि क्रिकेट के मैदान पर हरलीन देओल का कैच बिल्कुल टॉप क्लास है। हरलीन ने एमी जोन्स को कुछ यू भेजा पवेलियन। नॉर्थहैम्पटन ने खेले गए इस मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 4 विकेट पर 166 रन बना लिए थे। उस समय एमी जोन्स 26 गेंदों पर 43 रन बनाकर बैटिंग कर रही थी। जोन्स ने शिखा पांडे की गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर खेला। इसके बाद हरलीन ने कैच पकड़ने के लिए अपनी एथलेटिक स्किल का परिचय देते हुए हवा में छलांग लगा दी। उन्होंने गेंद को लपका और जब देखा कि उनका संतुलन बिगड़ रहा है तो उन्होंने गेंद को बाउंड्री के अंदर उछाल दी और खुद बाउंड्री के बाहर चली गई। फिर हरलीन ने बाउंड्री के अंदर डाइव लगाकर गेंद को कैच कर लिया। बताते चले कि इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 177 रन बनाए। लक्ष्य का पीछे करने उतरी भारतीय टीम 8.4 ओवर में 3 विकेट पर 54 रन बना चुकी थी। उसके बाद बारिश ने खलल डाला। लगातार बारिश के कारण आगे का खेल संभव नहीं हो पाया और मेजबान टीम को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 18 रन से विजेता घोषित कर दिया गया। अब इस कैच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।